46 भावनात्मक स्वास्थ्य क्या है। पांच तरह के स्वास्थ्य होते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, और दूसरा होता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। भावनात्मक स्वास्थ्य वह होता है कि हमारे इमोशंस, जितने भी क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, यानी हमारी भारतीय संस्कृति में 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स है, उन सब नेगेटिव थॉट्स को नियंत्रण में रखना, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ को नियंत्रण में रखना, इनको प्रज्वलित न होने देना भावनात्मक विकास है। और भावनात्मक विकास को हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति में जोड़ना चाहिए। भावनात्मक विकास को परिवार के साथ जोड़ना चाहिए। एक परिवार के बड़े बुजुर्ग जो है अपनी संतान को भावनात्मक विकास की शिक्षा दे, यानी वह हर बात में क्रोधित नहीं हो और घमंड न करे, चाहे वो कितना भी शिक्षा ले ले। परिवार का कोई सदस्य कम लिखा हुआ तो उसको घमंड जितना भी है ये अहंकार में आता है, और माया मतलब छल कपट परिवार के सदस्यों को, समाज के सदस्यों को इधर उधर से भिड़ा करके उनको लड़ा देना, उनके बीच में दुश्मनी पैदा करना। माया और लोभ का मतलब है आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, ग्रीड, धन का संग्रह करना, मकान का संग्रह करना, ज्वेलरी का संग्रह करना, अनाज का संग्रह करना, ये सारी ग्रीड कहलाती है। सब भावनात्मक विकास को बिगाड़ने के साधन है। मन, वचन, काया, नेगेटिव थॉट्स, इन सब को अच्छा बनाने के लिए पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए। दुख में से सुख निकालने की कला आनी चाहिए। ये भावनात्मक विकास का हमारा उद्देश्य है, और भावनात्मक विकास जो है किया जा सकता है, ये हमें करना चाहिए।